की सबसे बड़ी सियासी खबर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, प्रियंका गांधी जल मार्ग से काशी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी सियासी खबर, जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बताने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जल मार्ग से काशी जाएंगी। प्रयागराज से काशी स्टीमर से जाएंगी प्रियंका, और जलमार्ग के जरिए प्रयागराज से काशी जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम दो दिन के भीतर, जी हां, तो अब गुजरात में गरजने के बाद प्रियंका गांधी तैयार हैं यूपी में तैयारी के साथ, और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम दो दिन के भीतर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जिस प्रकार से कल प्रियंका गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सभा को संबोधित किया था, और उनके छोटे से भाषण के दौरान ही समझ में आ गया था उनकी तैयारी किस तरह की है। और अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख करती हुई एक बार फिर से प्रियंका गांधी, जो चार दिनों का कार्यक्रम था उनका पिछले महीने, उसके बाद ये वापसी एक तरह से आप देखिए तो प्रयागराज से काशी स्टीमर से जाएंगी, जल मार्ग के जरिए प्रयागराज से काशी जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम दो दिन के भीतर, और पुष्कर चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ था। पुष्कर जी, प्रियंका गांधी गुजरात में गरज चुकी हैं और अब लखनऊ में आने को तैयार एक बार फिर से। जी हाँ, पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में, और कल उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से बापू की धरती से नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और उनके वादे याद दिलाए, अब वो सीधे रुख कर रही हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की प्रभारी भी हैं कांग्रेस की और महासचिव हैं, और इसलिए उन्होंने प्रयागराज से काशी पहुंचने का, जो स्टीमर के थ्रू जल मार्ग से जाने का फैसला किया है, ये अपने आप में एक नया है। वो ये बताना चाह रही है कि ये कैसे कैसे कहाँ विकास हुआ, वो वहाँ पे जो केंद्र सरकार की योजनाओं है उन पर वार करेंगी, उस स्टीमर से जाके प्रयागराज से शुरुआत करेंगी और काशी तक जब पहुंचेंगी तो फिर वो हो सकता है यही बताएं कि अभी गंगा मैली है, कहीं पानी नहीं है, इतनी गंदगी है, तो जो वो अटैक है उनका, ये अटैक जो होगा वो स्टीमर से पहुंचेंगी तो जरूर वाराणसी भोलेनाथ के दर्शन भी करेंगी, लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो हमला उनका सीधे सीधे मोदी सरकार पर ही होगा और उसके कामकाज को लेकर होगा। जी बिल्कुल, और पुष्कर जी देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी के पास बीजेपी चुनौती है, दूसरी तरफ चुनौती सपा बसपा का जो गठबंधन, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी, और तीसरी बात संगठन को मजबूत करने की भी कवायद, और जो कार्यक्रम होंगे वो किस तरह के होंगे पुष्कर जी लखनऊ में जो कार्यक्रम होंगे? देखिए अभी जो शुरुआती डिटेल्स आई है कार्यक्रम की उनकी, वो आगे तीन चार रैलियां भी करेंगी, लेकिन अभी वो सब डिसाइडेड नहीं है, उसका कार्यक्रम बन रहा है, उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो अभी दी गई है उसमें वो अगले दो दिन के भीतर प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी स्टीमर के थ्रू जाएंगी और वहां पर ही वो वाराणसी में एक जनसभा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके वार कर सकते हैं। जी पुष्कर जी, एक बात समझने वाली है, आखिर जलमार्ग का ही रास्ता क्यों चुना गया है प्रयागराज से काशी जाने के लिए? उन्होंने सपना दिखाया था केंद्र सरकार ने कि यहाँ से स्टीमर चलेंगे और जा सकेंगे, वो मैंने आपको बताया ना कि इसीलिए जो फेलियर्स हैं अब कांग्रेस उनको दिखाएगी कि बीजेपी ने जो वादे किए उनको नहीं पूरा कर पाई, जहाँ स्टीमर चल सकते थे वहाँ नहीं चली, इसीलिए वो इधर से जा रही है कि वो दिखा सके कि घाटों पे अभी भी वही गंदगी है, मीडिया साथ में होगी, तो वो जगह पे हिट कर रही है बीजेपी को, जहाँ से बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल है। सड़कों से जाती तो वो गड्ढा मुक्त है कि नहीं है उसमें संशय हो सकता था, लेकिन जल मार्ग पे अभी इतना फ्लो नहीं है ट्रैफिक का, तो वो वही दिखाएंगे कि पांच साल पहले जब 2014 में आए थे और नितिन गडकरी को जहाज रानी मंत्रालय भी दिया गया था, तो ये कहा गया था कि यहाँ से स्टीमर चलेंगे और पटना तक आप पहुँचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर सिंह चौहान हमारे संवाददाता, जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, और लखनऊ से इस वक्त की